अटेनमेंट, श्री विद्या अलग है, श्री यंत्र अलग है। अब श्री विद्या क्या है? इट इज द नॉलेज ऑफ द श्री यंत्र, ठीक है। तो जो श्री विद्या आई वो हमारे ऋषि मुनियों को आई थी। ऋषि मुनियों को उन्होंने कोई इसको फॉर्मुलेट नहीं किया था, इसको खुद बनाया नहीं था, उनके ध्यान के अंदर ये प्रकट हुई थी, ठीक है। तो श्री विद्या द नॉलेज ऑफ श्री यंत्र एंड हाउ टू वर्शिप विद इट विद द महादेवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ कैसे वर्शिप करना है, ये सब आया था हमारे ऋषि मुनियों को, ज्ञान में प्राप्त हुआ था ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो फॉर दिस रीजन हम इसको कहेंगे श्री यंत्र हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द होल कॉस्मोस एज इट इज, क्योंकि इसी से ही उत्पत्ति हुई है। जब हमारा साउंड, हमने ओम साउंड को, अगर आप लोगों ने यूट्यूब भी करके देखा होगा टोनोग्राफी में, ठीक है, सिमेटोलॉजी में, तो ओम साउंड का एक पूरा जो वाइब्रेशन से बन गया है, एक डिजाइन बना, दैट इज श्री यंत्र। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला नहीं बना। देखिए एक ना वाइब्रेशन लेवल होता है, अगर आज हम, मैं बोलूंगी ओम, इसका एक वाइब्रेशन है, मैं बोलूंगी ओम, इसका अलग वाइब्रेशन है, और मैंने अगर बोला आई ओ, पूरा अलग वाइब्रेशन है, ठीक है। हमारे, मेरे बहुत बड़े क्वेश्चंस पहले रहते थे कि ये हमारी जो सारे वर्णमाला है वो कहाँ से बनी, कैसे बनी, हम लोगों ने कैसे बोलना शुरू हुआ, हम सब लोगों के ये सारे क्वेश्चंस रहते होंगे। लेकिन तब मुझे समझ आया जब मैंने श्री विद्या समझा पढ़ा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितने समझदारी से ये सारी वर्णमाला बनाई है, जहाँ पे स्वर व्यंजन कैसे कैसे बनाए, और हमें तो यूज ही नहीं करने आते इन स्वर व्यंजन को। ओम, ओम इज नॉट द साउंड, आई ओम इज द साउंड विच इज वाइब्रेटिंग इन द यूनिवर्स, राइट। और उसको ही अगर हमने टोनोग्राफी में करके देखा तो हमारे पास श्री यंत्र का पूरा डिजाइन आ गया, ठीक है। तो अयोम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अयोम आपको हर बार ओम की जगह अयोम ही बोलना है, नो। जब हम श्री यंत्र को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि श्री यंत्र का मतलब क्या, मैनिफेस्टेशन, हम उस किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तब बोलेंगे अयोम। अदरवाइज जो ओम, ओम इज द एक्टिवेशन ऑफ द अपर लेवल ऑफ अवर चक्रास, लाइक अवर क्राउन चक्र एंड द अग्नया चक्र, ठीक है। तो ओम बोलने से हमारे ये दोनों चक्र एक्टिवेट होते हैं, और ओम की एनर्जी बहुत हायर वाइब्रेशन है कि वो यूनिवर्स को एक्टिवेट करती है, एक मैसेज देती है कि हायर वाइब्रेशन एनर्जीज कम टू मी। तो इसलिए किसी भी मंत्र से पहले ओम लगाना और मंत्र को एंड करने के बाद ओम लगाना, उसके साथ ये एक सात्विक चीज ऐड कर देते हैं कि वी आर ओनली इन्वोकिंग द हायर एनर्जीज, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स में तो बहुत टाइप की एनर्जीज है ना, क्योंकि तो हम किस वाइब्रेशन पे बोल रहे हैं वी नेवर नो। तो इसलिए ओम इज एक्टिवेशन ऑफ अवर हायर चक्रास अलोंग विद द मंत्रा, कि हम सिर्फ यूनिवर्स को दे रहे हैं कि भैया हायर एनर्जीज को हम इन्वोक कर रहे हैं। बट आई ओम हम जब बोलेंगे तब बोलेंगे जब हम श्री चक्रा को एक्टिवेट कर रहे होंगे। इतना क्लियर है? दूसरी क्लियरिटी मैं आपको ये देना चाहती हूँ, देखिए इस यंत्रा को देखिए। आप मुझे ये बताइए, आप में से, नहीं बस को स्टॉप शेयर करती हूँ, आप में से कितने लोगों के घर में श्री यंत्र लगा हुआ है? ओके, किस फॉर्म में है? किसी के घर में ये पिक्चर फॉर्म में है, फोटो के फॉर्म में, किस किसके घर में? फोटो ओके, आपके, नीना जी आपके एंड शीला जी आपके, फोटो का ऑन, शांति जी आपके पिरामिड यहाँ भी? फॉर्म में हाँ जी, भी रखा, पिरामिड फॉर्म में भी है, वो भी है फोटो के फॉर्म क्या में। कोई आप में से मुझे बहुत दिखा सकता है कैमरा ले जाके कि कैसे लगा हुआ है फोटो फॉर्म में? जी प्रियंका जी, आप दिखा रहे हैं? फोटो का ओके, तो आपने ये कहाँ लगा रखा है, वॉल पे लगा रखा है? वाल पर रखा, आप वॉल पे लगा हुआ दिखाएंगे मुझे एक बार? वाल पे ऐसे ऐसे चलिए वाल ठीक है, पे मैं ना समझ गई, ऐसे वॉल रख। पे लगा, ठीक है वॉल पे लगा हुआ है, हाँ ओके गॉट इट, देख लिया सबने। प्रियंका जी आप दिखाएंगे मुझे कैसे इंस्टॉल है? पूजा करो मैं। ओके 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 गुड। हाँ मैं अपना दिखाऊँ ना मेरे से, हाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है आपका? मेरा पूजा रूम है मैम, हाँ, तो आप अभी दिखा सकते हैं हमें पूजा रूम में? नो मैम, अभी तो नहीं जा कोई सकती। बात नहीं, चलिए ठीक है। अब आप ये समझिए, जिस आप लोगों को ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा कि फोटो के फॉर्म में वॉल पर कभी भी श्री यंत्र इंस्टॉल नहीं होता है।
फोटो के रूप में बॉल पर श्री यंत्र कभी इंस्टॉल नहीं होगा। जी नीना जी, आप आपका अच्छा, पूजा ये रूम में पूजा रूम में यंत्र लगा हुआ है, ठीक है ठीक महालक्ष्मी अंत, एंड एक एक मेरे पास ये क्रिस्टल फॉर्म में भी है, है ठीक है, डन ये मैम। कछुआ जी के मेरु, टाइप। ठीक है मेरु फॉर्म में भी आपका, देखिए ये ठीक है। हाँ जी सर हेमेंद्र जी, मैडम आप बोल रहे हैं फोटो फ्रेम में नहीं लग सकता है, लेकिन यंत्र शास्त्र में बताया गया है कि यंत्र के प्रकार है, मेरु यंत्र जिसको, यानी पर्वत जैसे ऊपर उसको मेरु यंत्र, यानी वो आप कौन सा भी लो, श्री यंत्र लो, एनीथिंग, और भूपृष्ठ यानी जो सरफेस पे आता है वो मेरु ही यंत्र है। हाँ भी आपका सरफेस पे रखा जाता है सर, सारे वो तो यंत्र है नहीं, सरफेस पे ही रखे जाते हैं, क्योंकि जब हम फोटो पे दीवार वो पे तो लगाते पिरामिड हैं जैसा आने को ना, उसका पॉइंट यूनिवर्स से जुड़ने के लिए तो मेरु पृष्ठ बनाया था। जी सर, आपने वो सर सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वॉल पे लगा देंगे ना, आप उसको यूनिवर्स से नहीं जोड़ पाएंगे, उसके एनर्जी बरोबर, वॉर्टेक्स आएगा ही नहीं। राइट। और एक चीज और देखिए, ये एंट्री कैसी होता है, अब हम यही समझ रहे हैं, हमने यही क्लास ली है। अगेन मैं आती हूँ इस पर, आप ये वाली फोटो ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको बीच में ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, सबसे बीच में ये रेड कलर का ट्रायंगल नजर आ रहा है सबको, ठीक है। दिस इज द शक्ति ऑफ शिवा, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। दिस ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, अलाइंस विद योर साउथ डायरेक्शन। ये जो पॉइंट है इसका, जो नीचे, ठीक है, जो नीचे जो पॉइंट है, इट अलाइंस विद द साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस। लेकिन हम इसको कहीं भी रख लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे करना है, राइट। और बहुत सारे मैंने यंत्रास में देखा है, बीच में बिंदु ही नहीं होता। बहुत सारे यंत्रा में देखा है कहना कि 9 अवर्ण की जगह 14 अवर्ण होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ आएगा कि यंत्रा के फॉर्मेशन क्या है, हम उसको रखना कैसे है, वॉल पे नहीं टांगना, क्योंकि उसका वॉर्टेक्स ही नहीं आता, ये एकदम निषेध है। हमेशा श्री यंत्रा आपके मेरु फॉर्म में हो, जैसे हिमेंद्र जी ने बताया, राइट। लेकिन मेरु क्या होता है आपका, मेरु इस ऐसे होता है, छोटा सा आपका उभरा हुआ होता है, राइट, मेरु श्री यंत्र, या फिर पहाड़ के शेप में होता है, ठीक मेरे है, पर्वत जैसे। मेरु पर्वत के हिसाब से होता है। तो वो आपके सरफेस पे ही रखा जाता है, श्री यंत्रा की पूजा सरफेस पे रखकर ही होती है, कभी भी वॉल पे लगाकर नहीं होती है, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि वो जो एनर्जी वॉर्टेक्स है, देखिए अगर वॉल पे लगा हुआ है तो उसका एनर्जी वॉर्टेक्स ऐसे जाएगा, तो वो तो प्रकृति का निर्माण ही नहीं कर रहा, एनर्जी वॉर्टेक्स तो ऐसे जाएगा, तभी तो कोई निर्माण होगा, तो ही तो कभी कोई मैनिफेस्टेशन होगी। जी हेमेंद्र जी, आपको समझ आया सर? बिल्कुल, अगर किसी को फिर इस बात में, जो फोटो जी फॉर्म में या फिर जो कॉपर के जो बने हुए आते हैं जी यंत्र, उन्हें तो हम पूजा में सामने रख देते हैं, सर, बस यही मतलब तो। अब मैं आपको, देखिए आप समझने की हाँ। कोशिश कीजिए, हम लोग सामने रखते हैं, लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई है ना, ये थोड़े से अज्ञान के कारण हो गई है, कि सबको देखिए यंत्र बेचने थे, यंत्र खूब बने बिजनेस बिजनेस के हिसाब से हुआ मैडम ये के, सब, राइट, यंत्र बने सर बिजनेस फॉर बिजनेस के ओनली रूप में बने, बिजनेस। यस, रॉ बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या है, फ्लैट चीज है, फ्लैट तो आप एक आज आप अपने घर में पंडितों को इनवाइट कीजिए, वो आपकी पूजा करेंगे, तो वो चौकी के ऊपर यंत्र रख के उसकी पूजा करेंगे, कौन सा पंडित दीवार पे लगा के पूजा करेगा? आपके सारे यंत्र जब आप उसका मंडलाकार बनाते हैं, तो एक चौकी के ऊपर बनाते हैं मंडलाकार, या फिर पृथ्वी पे मंडलाकार बनाते हैं, क्या दीवार पे आप मानते हैं मंडलाकार और उसकी पूजा करते हैं? नहीं करते। वस्तु से, जैसे मेटल से, क्रिस्टल से, तो अब बनने लगे हैं। पहले तो आप, हम लोग जो हमारे ईटिंग, जैसे चावल का पाउडर हो गया, हल्दी हो गई, ये सारे जो द्रव्य होते हैं हमारे, इन्हीं से हम लोग काटते थे सारी चीजें, है ना, इन्हीं से हमारे बिल्कुल सारे यंत्र, पंडित जो लोग, जैसे हमारे दालें हो गई, चावल बिल्कुल हो गई, इन्हीं से हमारे सारे यंत्र बनते थे, बिल्कुल, चौकी मसूर पे की यंत्र दाल, बन के, काली मूंग, जी चौकी पे यंत्र बन के उनकी पूजा होती थी। ये तो सिर्फ बिजनेस की वजह से सारे ये मेटल पे बनने लगे, आर्टिफिशियल हो गया मैडम सर। आर्टिफिशियल, और इसकी कोई एनर्जी नहीं आ रही। अब क्या प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारा ये मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, हम तो इतनी पूजा करते हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए ये आप लोगों की गलती नहीं है,
हम उस एज में जी रहे हैं जहां पे बिजनेस ने टेक ओवर कर लिया बहुत सारी चीजों को। हम में से किसी की गलती नहीं है, लेकिन गलती जिनकी है उनकी है, जिन्होंने ये सब चीजें शुरू करी फॉर बिजनेस, वो एटलीस्ट ये नॉलेज दे सकते थे कि भाई अगर वो मेटल का बना रहे हैं तो आपको भूपोरा मतलब आपको इसको भूमि पे रख के इसकी पूजा करनी है, आप एक चौकी बिछाइए आप उसके ऊपर रखिए। जी रीना जी, मैम मुझे ये समझना है, मुझे ये तो समझ आ गया कि हमें धरती पर रखकर पूजा करना है जी मैम, और दीवार पे नहीं करना है। जी और मुझे ये भी समझ आया ट्राइंगल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, जी मैम, बट इससे क्या इफेक्ट कर रहा है? साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो एक मिनट मतलब मैम, जब आप अपने घर में स्विच लगाते हैं, बोर्ड में एक स्विच लगाते हैं, तो एक उसका पैटर्न होता है ना कि एक ऊपर यू नो ट्रायंगुलर फॉर्म में पैटर्न होता है, तो स्विच तो वो उसी वे में जाएगा ना जो एक पैटर्न है। अगर आप दूसरा उसका स्विच लिया है, उसके दूसरे पैटर्न का स्विच लिया है, तो उसमें नहीं अगर फिट होएगा। उसमें फिट नहीं होगा ना, हम क्या कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू अलाइन अवर वाइब्रेशन विद द यूनिवर्स। ओके ठीक है ठीक है, हमें बट पता ये तो हो, पैटर्न ही गलत है। हाँ यस, हमें इसकी पूरी नॉलेज ही नहीं, आज हमने स्टार्ट की इसकी नॉलेज प्राप्त करना। आपको समझ आना चाहिए कि हम किस चीज की पूजा कर रहे हैं, वो है क्या, उसका आकार क्या है, हमें वो आकार हमारे पूरे यूनिवर्स में कैसे हमें फिट करना है, तभी तो हम उसके अलाइनमेंट करेंगे अपने साथ छोटी छोटी बातों तो से। मैम नेचुरल में आप ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी श्री यंत्रा का ये फिगर है ये कभी भी किसी भी टाइप के फोटो फ्रेम में होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए मैम, नहीं होना चाहिए, फोटो है ना? फ्रेम फोटो में हो फ्रेम जाए, में ही नहीं लेकिन होना आप चाहिए, उसको नीचे आपको चौकी पे रख के सरफेस पे पूजा रख करनी है। सकते ना मैडम? हाँ, सरफेस फोटो पे रख फ्रेम में सकते होगा हैं तो सरफेस बिल्कुल, पे रख के करना चाहे पड़ेगा। आपका यंत्र, देखो यंत्र तो होते ही हैं, सोने चांदी कॉपर सबके यंत्र बनते हैं, बहुत अच्छे यंत्र बनते हैं, छोटे यंत्र लीजिए सरफेस पे रख के उसकी पूजा करिए, बॉल लेकिन पिन वो नहीं होता है, हैंगिंग हैंगिंग नहीं करना, नहीं हैंगिंग करना, के कुछ यस काम नहीं, वो यस सरफेस पे करना है। और ऊपर से नीचे जिससे शिव और शक्ति का मिलन जो है जमीन एग्जैक्टली आ हेमेंद्र जी, बहुत बढ़िया, यही मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो मैकेनिज्म ही नहीं चलेगा। जैसे कौन से मैम भी शिव जी के मंदिर का कलश जो रहता है ऊपर का कलश जी का गुम्बद, वो जो जो शिवयंत्र का आकार का रहता है नीचे शिव जी रहता सर, है, इसी के लिए तो सरफेस पे रख के उसकी पूजा करनी पड़ती है ना मैडम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, देखिए यही तो नॉलेज हमें चाहिए थी हेमेंद्र जी आपसे, तभी आपको हमारे लिए ग्रुप, हमारे ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैडम आपसे ज्यादा नॉलेज है। मिल रहा है मेरे को, आपसे थैंक यू सो मिलेगा। मच जी जी मैम बताइए वन सर। क्वेश्चन। हाँ 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 मैम, मैम, ये जैसे आपने बोला जो अंदर का शिव शक्ति है उसका ट्रायंगल का जो लोअर वाला वर्टेक्स है जी वो हमारे घर का जो साउथ पोश मतलब साउथ डायरेक्शन होगा उस तरफ फेस होना जी चाहिए, मैम, हम रख जी मैम, उसको कहीं भी रहे हैं मंदिर कहीं भी में। रहे आप, मंदिर में कहीं भी रखें, आपको तो सब घुमाना है कि उसका जो पॉइंट है आपको सब साउथ में हाँ अलाइन करना है, सिंपल। मैम, अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में जैसे कई अब मंदिर में अगर हम यंत्र रखेंगे इन जनरल कोई भी यंत्र रखेंगे तो इतना स्पेस नहीं होता, तो वैसे कहते हैं ना हम जितनी भी मूर्तियां एक ही लेवल में रखते हैं, तो क्या जी हम यंत्र को अलग लेवल्स में रख सकते हैं बना के मैम, लेवल्स उसके का पास? कुछ नहीं होता, बिल्कुल लेवल्स पे रख सकते हैं, बेसिकली आपको अलाइन करना है सिर्फ, देखिए अलाइन आप जब तक उसको फ्लैट सरफेस नहीं देंगे ना वो अलाइन नहीं होगा, लेवल तो आप कर लो, है ओके ना, मैम। दूसरा मैम, ये हर जो जगह पिरामिड फॉर्म भगवान है। होगा, जी मैम, पिरामिड फॉर्म होगा उसका भी कुछ देख के रखना होगा, जो जो पिरामिड फॉर्म पिरामिड है थ्री फॉर्म है ना डायमेंशन। उसका भी आप देखिए, जो पॉइंट होगा, जो ट्राइंगल का फॉर्म होगा, बिंदु के नीचे एक ट्राइंगल ओके होगा, ओके ट्राइंगल का जो एपेक्स ओके होगा ना, दैट वो आपको बस साउथ से अलाइन करना है, देख।